शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी के आश्रम के प्रबंधक नारायण शास्त्री ने इसकी पुलिस को शिकायत की है। वहीं महाराज को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए जाँच करने के निर्देश दिए हैं। अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है, जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। पिथौरागढ़ में शहीद हवलदार महेंद्र सिंह धामी का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय स्थित उनके आवास कनाली छीना पर चार दिन बाद पहुंचा। इस मौके पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं सेना भर्ती में फिजिकल और मेडिकल पास किए हुए युवाओं को जल्द रिटर्न टेस्ट करने के साथ ही गाँव के जवान के शहीद होने पर हवाई मार्ग से शव पहुँचाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो वे गणतंत्र दिवस के दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीते रोज हल्द्वानी पहुंचे सूबे के मुखिया के पैरों में गिरकर उपनल कर्मी महिला द्वारा अपनी पीड़ा बयां करने की तस्वीरें सामने आने के बाद सुमित हृदेश ने इस पूरे मामले में भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के हर मोर्चे में डबल इंजन भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है, जिनको जनता माफ नहीं करेगी और उत्तराखंड से भाजपा को इस बार जरूर साफ करेगी। सर आपका नमस्कार, पहले तो आपने हमें 78 दिन का आश्वासन दिया था और सर हमारी सैलरी ये देखिए, कोरोना वॉरियर है, ऐसे कोरोना वॉरियर है रोड पे खड़े हैं और हमारा कुछ भी बहुत ही अंधकार में हो गया। सर आप हमारा कुछ भी कीजिए, सर हमारे बच्चे रोड पे हैं, ये बताइए जब एक राज्य की बात कोई नहीं मानता। ये तो एकमात्र हमारी बहन थी जिससे अपनी पीड़ा व्यक्त मुख्यमंत्री के सामने करी। अगर मुख्यमंत्री जी सारे क्षेत्रों में बड़े बड़े पोस्टर लगाने की जगह उन क्षेत्रों का भ्रमण करते तो ना जाने कितनी मातृशक्ति अपनी समस्याएं लेके आती और बताती उन्हें कि डबल इंजन सरकार में महिलाओं के साथ किस प्रकार की प्रताड़ना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे ने बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे आसानी से अपना नामांकन ऑनलाइन भरकर जमा कर सकते हैं, जिसकी रिसीविंग भी उन्हें ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले भुगतान को भी निर्वाचन विभाग द्वारा ऑनलाइन जमा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें प्रत्याशी निर्वाचन विभाग में अपने भुगतान को जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयोग लगातार बढ़ते हुए कोरोना केसों को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है, जिससे वे बिना निर्वाचन विभाग चक्कर काटे अपना काम कर सकेंगे। इस बार एक व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन पत्रों को भरने का एक सुविधा प्राप्त हो रहा है। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो उनके प्रत्याशी होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोग किसी भी सभा की जो अनुमति प्राप्त करते हैं निर्वाचन कार्य के दौरान, उसके लिए भी उनको सुविधा जो प्लेटफॉर्म होता है, पोर्टल है निर्वाचन आयोग का, उसका प्रयोग करने की इस बार अनुमति है। इस बार आपको ऑनलाइन धनराशि जमा करने का भी सुविधा जो है निर्वाचन आयोग ने अनुमन्य की है, तो उसका भी लाभ जो है प्रत्याशी ले सकते हैं।